नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और जनता का मूड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम जान रहे हैं स्थानीय निकाय चुनाव के लिए उस क्षेत्र की जनता का मूड कि उस क्षेत्र में वहां के मेयर ने, चेयरमैन ने या सभापति ने अपने पिछले कार्यकाल में उस क्षेत्र में कितना विकास कार्य करवाया है, ये जानने के लिए आज हम पहुँच गए हैं बीकानेर और जानेंगे यहाँ नगर निगम क्षेत्र की जनता का मूड कि पिछले 5 सालों में यहाँ के मेयर नारायण चोपड़ा ने कितना विकास कार्य करवाया है और लोगों ने उस विकास कार्य को देखते हुए इन चुनावों के लिए किस तरह का मूड बनाया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं बीकानेर क्षेत्र की जनता का। नगर निगम चुनाव के लिए अब प्रत्यक्ष रूप से मेयर चुनने की घोषणा सरकार कर चुकी है और हम इस समय हैं बीकानेर में और जान रहे हैं यहाँ के मेयर से कि इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में किस किस तरह के विकास कार्य करवाए ताकि ये जब जनता के बीच में जाए तो उन विकास कार्यों के नाम पर जनता से अपनी पार्टी के लिए मत मांग सकें। इन्हीं से बात कर लेते हैं। जनता का मूड में आपका स्वागत है सर। हमने सफाई और रोड लाइट पर पूरा ध्यान देते हुए कार्य किए। हमने सफाई के लिए पहले हमारी जो राज्य सरकार आई वसुंधरा जी के नेतृत्व में, तो उनके आते ही 530 सफाई कर्मियों की भर्ती की गई और उनके कार्यकाल के आखिर में फिर 395 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई। इस प्रकार से लगभग और कई कर्मचारी बाहर से आए, करीब 1000 कर्मचारियों की जो वृद्धि हमारे इस पिछले कार्यकाल में हुई और जिसके द्वारा हमारी जो सफाई व्यवस्था जो ठेकेदारी पद्धति के ऊपर चल रही थी उससे निजात मिली और सफाई व्यवस्था जो है वो काफ़ी चाक चौबंद हुई। दूसरी चीज़, पशु, जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या भी काफ़ी देखने को मिली है, तो ये बड़ी समस्याएं जहां रोज़ाना एक्सीडेंट होते रहते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो इनके फ्रंट पर क्या काम हुआ? पिछले 5 साल के कार्यकाल, मेरे से पहले के 5 साल के कार्यकाल में 2000 पशु भी उन्हें नहीं दे पाए थे और फिर हमने ये देखा कि ये 3 गौशालाएं मिलकर के भी जब इतने से ही पशु ले रही है तो हमें हमारी खुद की गौशाला शुरू करनी चाहिए। हमने राज्य सरकार से इसके लिए प्रेयर की, ज़मीन हमें दी जाए। हमें राज्य सरकार ने 2 स्थानों पर ज़मीनें अलॉट की। हमारी जो सरय नथानिया की गौशाला है उसकी पूरी ज़मीन पर 4 दीवारी का निर्माण होने के बाद में हमने एक प्राइवेट कंपनी के, प्राइवेट गौशाला के माध्यम से PPP मोड पे वहाँ गौशाला शुरू कर दी है। इसी प्राइवेट जो गौशाला है, जो यह है गाडवाला में, सोनलाल जी, बुल्ली देवी जी ओझा नाम से चलती है, उस गौशाला में हमने करीब करीब 6,500 गोदे पहुँचा दिए हैं। शहर के गोदों के संबंध में हमने पहले जो प्लान बनाया था कि हमारे यहाँ शायद 7,000 गोदे होंगे, लेकिन 7,000 से बहुत अधिक ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो हमने जो गौशाला में 6,500 पहुंचाने के बाद में भी और दूसरे नंदीशाला और छोटी गौशालाओं में भी कुछ गोदे पहुंचाने के बाद, लगभग 1,000 उन सभी में पहुंचाने के बाद भी आज हम देखते हैं कि गोदों की संख्या काफ़ी हमारे शहर में है। तो हमने इसके लिए हमारी जो नई गौशाला शुरू की है उसके माध्यम से ये सारे गोधे जो हैं इनको वहाँ भेजा जा सकेगा और उनके खाने की, चारे की बहुत अच्छी व्यवस्था भी की जा सकेगी। अच्छा, मेरे साथ एक और चीज़ है कि जो बड़ी नगर निगम होती है वहाँ पर अनुकंपा नियुक्तियाँ का एक बड़ा मसला होता है, या जनमन जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं वो सही तरीके से नहीं बनते, इन दोनों फ्रंट पर और क्या काम हुआ है? देखिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को 1 दिन से ज़्यादा इसके लिए नहीं घूमना पड़े। सुबह वो देता है तो उसको शाम को ही दे दिया जाए, इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया। कई बार इसमें हमारे दिक्कतें आई कि जैसे कभी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम शुरू करने के बाद में कोई दिक्कत आई, ऐसे बीच बीच में हुआ, लेकिन हमारा ये प्रयास बराबर रहा कि किसी भी व्यक्ति को 1 दिन से या 2 दिन से ज़्यादा घूमना नहीं पड़े जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। इसी प्रकार से विवाह पंजीयन के लिए भी लोगों को बहुत अधिक यहाँ आना पड़ता है, उनको भी जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट विवाह पंजीयन का मिल सके, इसके लिए बराबर प्रयास किया गया और जो डिले होती थी उसे बहुत कम समय में सेम डे अथवा दूसरे दिन देने की व्यवस्था कराई गई। हमने सभी जगह एक रूपता से और LED लाइटें लगाई, 34,000 लाइटें हम लगा चुके और 6,000 लाइटों का हमने टेंडर करके वो काम भी शुरू कर दिया। लगभग 2,500
लाइटें उसमें भी हम लगा चुके हैं, और ये सारी 40,000 लाइटें लगने के बाद में हमारे शहर में, पूरे शहर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा पोल नहीं रहेगा जो लाइट से वंचित हो। अच्छा, अभी वार्ड की संख्या बढ़ गई है, चुनाव भी नज़दीक हैं, क्या आपको लगता है कि फिर से आप लोगों का बोर्ड बन पाएगा? ये जो वार्ड बड़े हैं ये कितने फ़ायदेमंद आप लोगों के लिए सहयोगी हो पाएंगे? ये जो वार्ड बने हैं ये वास्तव में हमारे लिए बहुत सहयोगी होंगे, बहुत अच्छे, अच्छी दिशा में ये काम हुआ है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, और पब्लिक ने ये मानस बनाया हुआ है कि अब कांग्रेस को कहीं भी जगह नहीं है। अब देखिए लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ, आप देखिए जो भी एक से एक कोई भी चुनाव होते हैं और उसका नतीजा क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि जिन अशोक जी गहलोत ने जो इतने शानदार राजनीतिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, जो समझते हैं कि कैसे हम जीत सकते हैं, उन्होंने अपनी सोच को ये ठीक समझते हुए कि हम डायरेक्ट चुनाव करेंगे, डायरेक्ट चुनाव करवाने से हम मजहब और जाति के आधार पर जो वोट मिलते हैं उन वोटों के आधार पर डायरेक्ट चुनाव में हम मेयर बना लेंगे, अध्यक्ष बना लेंगे। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें यू टर्न इसलिए करना पड़ा कि उन्हें लगा कि अगर डायरेक्ट चुनाव हुए तो किसी भी सूरत में बीजेपी को नहीं हरा सकते और कांग्रेस ही जीतेगी, इसलिए उन्होंने यू टर्न भी किया है। और कोई बात नहीं है, अशोक जी ने हो सकता है खुद की सोच के ऊपर अपने पार्टी के लोगों को, संगठन के लोगों को तरजीह दी है, और उनके जो आपत्तियां आई कि भई आपने ये क्या कर दिया, उन्होंने ये किया होगा, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हो पाएगा, इससे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। मैं ये समझता हूँ कि निश्चित रूप से बोर्ड बीकानेर में भी और दूसरे शहरों और कस्बों में भी बीजेपी के ही बनेंगे, और कांग्रेस को इस इतनी उठापटक के बाद में भी मुंह की खानी पड़ेगी। और ये मैं समझता हूँ कि एक हार तो कांग्रेस की हो चुकी है कि उसने यू टर्न करना पड़ा, उसने जो अपने मैनिफेस्टो में था उसके अनुसार काम करते हुए भी 8 महीने में अपने विचार को चेंज करना पड़ा। निश्चित रूप से यह साबित है, यह कांग्रेस ने स्वयं साबित कर दिया है, मान लिया है कि हम हारने वाले हैं और हारने वाले हैं, इसलिए किसी तरह से बचाव की मुद्रा में कांग्रेस आ रही है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमें कोई बीजेपी को कोई हरा सके, तो निश्चित रूप से पब्लिक ने भी समझा है और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी समझा हुआ है कि ठीक ढंग से अच्छे लोगों को हम चुनाव लड़ा करके, अच्छे पार्षदों को जीता करके शहर का भला कर सकेंगे, शहर के हर वार्ड का काम कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो चुनाव है वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में रहेगा। बिल्कुल, मेयर साहब ने जो विकास कार्य करवाए हैं तो इनको लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो मेयर के लिए, यहाँ पर बोर्ड भाजपा का ही बनने वाला है, और ये के पास जो योजना है उनको लेकर मतदाताओं के बीच में जाएंगे। कैसी उपलब्धि रही कि 5 साल अपने ही पार्षदों से घिरे रहे, बीकानेर में नकारा साबित महापौर हुए, यही उनकी उपलब्धि? अगर कोई उपलब्धि हो तो बताएं बीकानेर ने क्या किया। जो उपलब्धि मैंने बताई वही वो खुद सिद्ध कर देते हैं, पूरा बीकानेर जानता है। वापस में दिन भर लड़े, टाटा सफारी में घूमे, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और विफलता भी कह सकते हैं। इस समय हम बीकानेर में हैं, बीकानेर के चोपड़ा कटला के तरफ हम जा रहे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से कि जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उससे पहले यहाँ विकास कार्य कितना हुआ। बाऊजी आप यहाँ के रहने वाले हैं, कौन से वार्ड के हैं? मैं तो 14 नंबर वार्ड गया। तो कितना पिछले 5 सालों में नगर निगम ने कितना विकास कार्य कराया होगा आपके यहाँ पे, कोई सफाई व्यवस्था ये जैसे? मारे गाने कोई को नहीं कराया अभी, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। क्या, क्या 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 होना था? सड़क ठीक है? ना सड़क ठीक है, ना नाला ठीक है, ना रास्ता ठीक है, बहुत परेशान हूँ मैं तो। कभी गए नहीं, कभी गए नहीं उधर नगर निगम वाले? जीते जम जाते थे लोग, सुनी कहते हाँ चलो आ रहे हैं, कुछ आवे दादा नारे कर कौन था बार बार। पिछले 5 सालों में और उससे पहले जो काम हुआ है तो आप यदि तुलना करें तो क्या क्या नज़र आता है? काम तो देखो कोई करता है नहीं, वोट मांगने आ जाते हैं, हम भी ये देखते हैं कि चलो भाई अब क्या इलाज क्या है, और कोई इलाज नहीं है, या उसको क्या बहिष्कार कर देते हैं, चुनाव कर दे, वोट देते तो फिर चुनाव आगे नवंबर में तो अब क्या इलाज है, पड़े रहेंगे हम क्या, हम वोट देंगे नहीं और क्या करें। अच्छा, सड़कें बिल्कुल बेकार है, सड़कें बिल्कुल बेकार हुई भी पड़ी हैं, और ना कोई
गायों का उनका तो हिसाब किताब ऐसा है चलते, कभी किसी बुजुर्ग को गाय मार देते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं, क्या किया जाए। अभी आपके साहब, आपके मेयर साहब से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सीवरेज लाइन का भी बहुत सारा काम कराया, सड़कें भी बनवाई, गौशाला भी बनवाई, तो क्या लगता है आपको ये सब हुआ? गौशाला है तो फिर ये कहाँ है? तो गौशाला तो अब करीब बन गया, 3-4 दिन पहले की कोई पेपर में पढ़ा था हमने तो कब ये कोई गौशाला इतने एरिया के अंदर खुली है, लेकिन गायें तो जैसे कि ऐसी बैठी हैं। जैसे महेंद्र सिंह जी ने कहा, उन्होंने भी कहा कि वहाँ ज़्यादा काम नहीं हुआ, आपके वार्ड की कैसे? कोई काम को नहीं, वार्ड मेंबर आयो ठेकेदार हूँ कमीशन आयो हम लोग और नए नए आए वही कमीशन खाए, काम तो वो नहीं, शेर लेना टूटी पड़ी है, चारागान सड़कें टूटी पड़ी है, और सफाई सफाई नालियों का पानी कड़ी याद आया कर दे तो घर घर आती है क्या वो लेने के लिए? आवे गाड़ी तो आवे। एक और बाबूजी इनसे बात करें, बाबूजी नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूनमचंद। पूनमचंद जी आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। नगर निगम मेयर है नारायण चोपड़ा, उनके बारे में जानते हैं चोपड़ा जी के बारे में? हाँ। तो कोई आए कभी आप लोग? नहीं, अभी जो सड़क है वो हमारे घर में रहते सड़क बन ही नहीं रही है, सारी समस्या है। पानी और एक गायों की? कुछ नहीं है वहाँ पर, सब पैसे खाते हैं सर। गायें वायें बैठी रहती हैं? हाँ गायें बैठी रहती है, कुंडी भी नहीं है। और आप कभी इन 5 सालों में नारायण चोपड़ा जी आपके वार्ड में आए? नहीं आए। नहीं आए तो जब आए तो इनसे मास्क लेना भी कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी क्योंकि जानते ही नहीं है। आप सब जगह घुमाते हो, अपना ऑटो घुमाते हो, तो सड़कों की स्थिति कैसे है यहाँ पर बीकानेर में? बहुत ख़राब है। क्यों, कभी सही नहीं हुई यहाँ? होती है वैसे, जैसे बार की सड़कें ना वैसी नहीं है। अच्छा, तो और क्या क्या आपको लगता है कि जब आप जाते हो तो रास्ते में गाय वगैरह ये बैठी रहती है? नहीं नहीं, गाय वगैरह तो बहुत कम है अब। कम है अब, पहले थी? पहले ज़्यादा। गंगा शहर में पानी की क्या समस्या है? लोग कहते हैं वहाँ पानी भरने की बड़ी समस्या। कम आता है पानी, पानी भरने की समस्या गड्ढों में नालियों में बहुत परेशानी है नाली। यहाँ के जो चेयरमैन है वो कहते हैं, जो मेयर हैं नारायण चोपड़ा जी, जानते हो आप उनको? कोई मतलब ठीक है, वो आदमी है, कुछ काम के नहीं है, कुछ काम करवाते नहीं है, कहते हैं तो कहते हैं ठीक है बाद में आना घर पे जाते हैं। कितना विकास कार्य हुआ होगा पिछले 5 सालों में आपके वार्ड में? विकास तो सड़क तो बन ही रहा है और आने जाने का और गाय गोदारा परेशानी सब है। और लोगों से बात करते हैं, ये भाई साहब है, भाई साहब आप यहाँ के रहने वाले हैं, कौन से वार्ड के हैं? इसी वार्ड के। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर कितना विकास कार्य करवाया होगा नगर निगम में? निगम ने क्या काम कराया, कोई काम नहीं कराया। ये कहते हैं वो तो जो यहाँ के जो मेयर हैं वो नारायण चोपड़ा जी, वो दावा करते हैं कि मैंने बहुत सारा काम कराया है, सड़कें बनवाई, लाइटें लगवाई, सड़कें तो काम नहीं पड़ी है। तो मतलब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ? क्या हुआ कुछ? तो सीवरेज का नाली का सीवरेज वगैरह का कुछ नहीं हुआ अभी तक। एक और भैया इनसे बात कर लेते हैं। नमस्ते भैया, नाम क्या है आपका? मेरा विनोद कुमार माली है सर। क्या लगता है कोई पिछले 5 सालों में कोई विकास कार्य जो नगर निगम के हाथ में होते हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, सीवरेज लाइन है, ये काम दिखे आपको कहीं? सीवरेज लाइन तो अभी फिलहाल हमारे वार्ड में भयंकर स्थिति प्रॉब्लम है, जाम भयंकर लगे हुए हैं, गाड़ी आती भी है, सफाई करती भी है कई बार, पर फिर वही है ब्लॉकेज हो जाते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा आप आके मस्जिद की तरफ जाओगे तो एक पूरा गड्ढा हो गया था, तो कम से कम 10 दिन रोड ब्लॉक थी हमारे ही वार्ड की। तो आपके मेयर है वो कहते हैं कि हमने गौशाला बनवाई है उधर ले जाएंगे। गौशाला बनाई है अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, पर यहाँ अभी समस्या तो है, कुत्तों की भी है हमारा पशु की भी है। पिछले 5 सालों का जो विकास हुआ उसकी तुलना पहले वालों से करें तो कितना हुआ? देखो आज से 6 महीना पहले जो विकास होता था ना, वो अभी 6 महीना में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में बिल्कुल ठप पड़ा है। क्या लगता है क्यों नहीं ये समस्याएं दूर होती हैं, कारण क्या है? देखो कुछ तो क्या है, जनता सहयोग नहीं करती है इसका, गवर्नमेंट अपना काम करती है लेकिन गौशाला बनाई है, सब कुछ भी करी है, लेकिन जनता जो है कोई भी काम में जनता अगर पूरा सहयोग दे तो हर काम नहीं होने वाला हो जाता है। और आपके जो मेयर हैं नारायण चोपड़ा जी, वो पब्लिक में घूमते हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं, घूमते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन थोड़ा क्या है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई ना 6 महीना से, उसके बाद में कार्य सब ठप पड़े। विकास कार्य कितना हुआ, नगर निगम के जो चुनाव हैं उसमें लोगों की मंशा क्या है? बीजेपी आए बाद में धरती और सत्यानाश हो गयो। अच्छा, नहीं तो बीजेपी तो अब आई, अब तो चुनाव होने वाले हैं। सगड़ो काम कांग्रेस में हो जिंदगी में और भारत में होगा ही, पहले सगड़ो काम कांग्रेस करोड़ है, अब कांग्रेस बेकार है,
अरे हो कहीं बीकानेर में कागज गोनिया तो अभी भी तो भाजपा का बोर्ड है यहाँ पे। भाजपा बकवास है, कांग्रेस ही है, कांग्रेस ने किया सारा भारत में काम। आपको लगता है विकास कार्य हुआ होगा यहाँ बीकानेर में पिछले पांच एक नंबर में हो रहा है, कांग्रेस का राज एक नंबर है। तो ये थे इस वार्ड नंबर 64 के लोग या 31 के लोग जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि इस तरह का विकास कार्य, और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। आइए चलो, इस समय हम हैं गंगा शहर के बाजार में और जान लेते हैं कि पिछले 5 सालों में बीकानेर का विकास कार्य कितना हुआ। चाय वाले भाई साहब हैं और इस समय देश में चाय वालों की विशेष इज्जत से देखा जाता है। भाई साहब, पिछले 5 सालों में आप कितना विकास कार्य देखा इस गंगा शहर में? कोई विकास कार्य नहीं देखा हमने, गंदगी सफाई सारा और वही नहीं विकास। बोल बोल के हम नगर पालिकाओं के सामने बोलते हैं, नगर पालिका मन मर्जी करती है, पर्चियाँ कट जाती हैं, रसीद कट जाती है, 200 रुपये आपके सफाई के कटेंगे, 250 इसके कलेंगे नाली के सफाई आपके, का करेंगे। आपके मेयर तो नारायण चोपड़ा जी हैं, तो कभी आए देखने ये स्थिति आपने उनको बताई? नहीं देखने आए, आए नहीं आए। जब काम ही नहीं हो रहा, अब नवंबर में चुनाव है आपके, फिर कोई आएगा कि हम ठीक करा देंगे, तो क्या क्या सोच के वोट दोगे आप? पहले काम बाद में वोट, पक्का? पक्का। और आपके जो मेयर है नारायण चोपड़ा जी, वो जानते हो आप, उनको आते हैं कभी इधर, मिले हैं आप लोग? कभी नहीं मिले, कभी हम बाई फेस भी नहीं जानते। नहीं मिले, तो बहुत ज़्यादा खराब है, अति ज़्यादा टैक्स भी बहुत ज़्यादा, परेशान है भाई साहब, इतना दुखी है मैं, कुछ होना है। तो जाते हो नहीं जाते बंगला में? आते नहीं है, भाड़ा मिलते सवारी कहती है पैसा ले लो, नहीं जाओ को नहीं, सड़क सही हो नहीं। क्या खराब है वहाँ पे, सड़क खराब है क्या? सीओ लेना खुदोड़ी है, सड़क टूटी है, पानी भरोड़ा है सर, कहीं खराब बताओ। अच्छा, तो आपके मेयर साहब मिले हैं आपसे कभी इधर आते हैं? मेयर को जानते हो, मेयर जो नारायण चोपड़ा जी? नारायण चोपड़ा को जानते थे, वो काम नहीं कराता है, कुछ भी काम नहीं कराता है वो। अच्छा, हाँ, वो तो कहते हैं मैंने बहुत सारा काम कराया, सड़कें बना दी। आप देख सकते हो गंगा सरोवर की सड़क थे, कितनी परेशान होती है गाड़ी चलाने, वो खाली पैसा पूजा रही है और कोई गो नहीं। अच्छा, पैसा रही। पैसा, नाम क्या है आप? महेश कुमार पुरोहित। महेश जी, एक चीज़ बताओ, आप यहाँ गंगा शहर के ही हो? हाँ बिल्कुल, गंगा शहर के। तो क्या लगता है पिछले 5 सालों में गंगा शहर में कितना विकास कार्य हुआ? डेवलपमेंट के नाम पे तो एक चीज़ नहीं हुई सर, ऐसा है कि जितना बजट मिलना चाहिए उतना बजट का खुलासा जनता के सामने होना चाहिए कि इतना बजट राज्य सरकार ने पास किया है बीकानेर की जनता के विकास के लिए, और वो जनता के सामने हिसाब होना चाहिए इसका कि इतना बजट यहाँ पे लग चुका है, जबकि 5 साल में एक बार ही सड़क बनती है, जबकि 5 साल तक तो बजट हर साल मिलता होगा। कौन से वार्ड के हैं आप? मैं 27 नंबर वार्ड का हूँ। 27 नंबर वार्ड के, और सामने 28 है जहाँ के नारायण जी है ना, जो मेयर साहब है जहाँ के, का 28 नंबर। तो आप दोनों वार्डों में देखो और कंपेयर करो, तुलना करो, तो कितना विकास कार्य मेयर साहब के कार्यकाल में हुआ है? हमारे वार्ड मेंबर है शिव रतन जी फड़ियार, उनको आप आधी रात को बोल दोगे तो वो हाजिर हो जाएंगे, और अभी कोई समस्या बताओगे 10 मिनट में हल कर देंगे। इधर नारायण जी का है तो इनके तो कोई काम हो नहीं रहा है, ये खड़े इनके वार्ड के, और ना उनको कभी देखा मैंने इस शहर में। एक और भाई है, ये जो यहाँ के मेयर है नारायण जी, उनके वार्ड के हैं, भैया नाम क्या है? कुशल बाफना। कुशल बाफना, आप देखते हैं उनके कामकाज को, देखते हैं कितना काम करवाया? कुछ काम नहीं किया हमारे मोहल्ला में। क्या 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 काम होना चाहिए था? रोडे बनने चाहिए थी, वो टूटी पड़ी है 20 सालों से, हर बार बीजेपी आती है, बीजेपी के पार्षद आते हैं, 20 सालों में कुछ सड़क भी नहीं बनी, नया कार्य लगी और उसका पैसा उठा के मतलब रोडें बन गई, कागजों में बस वैसा हुआ है। तो वो तो कहते हैं कि बहुत सारा काम करा मोहल्ले में, आके देखो उनकी रोड, गली की रोड देखो, चौड़ी वाली जोर रहती है, वो टूटी पड़ी है पूरी। तो कितना काम पिछले 5 सालों में जो आपके चेयरमैन है, मैंने जो मेयर हैं उन्होंने करवाया है? कुछ भी नहीं करवाया सर, लेकिन बहुत सारे लोग तो कहते हैं उन्होंने सड़कें बनाई, सीवरेज की, वो तो पूरे जो कह रहे हैं वो अपने आके देखें कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो भी कुछ दावा करते हैं इस चीज़ का कि बहुत काम कराया है मैंने। ऐसे कोई काम नहीं करवाया, गौशाला बनवाई, सीवरेज है, आवारा पशुओं को दूर करवाया। गौशाला बनाई हो तो पशुओं के लिए बनाई है, बढ़िया किया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, जो कार्य होना चाहिए वो कार्य कुछ भी नहीं हुआ। आप जब घूमते होंगे तो क्या आवारा पशु सड़क पे बैठे हैं? मिलते हैं, मतलब कमी हुई या कुछ कमी हुई? क्या लगता है आपको कितना विकास कार्य पिछले 5 सालों में हुआ? नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बहुत सारा हुआ, सड़कें साफ हो रही है और ये सब टूटा फूटा है, सब सीध हो रहा है, ऊपर में खाली मरबट्टी लगाते हैं। अच्छा, सीवरेज लाइन की क्या स्थिति है? अभी इधर में तो आई नहीं है, और इधर में नई लाइन पूरी लाइन के अंदर तो जहाँ जहाँ काम तो हो रहा है, पर रोड खड़ी हुई है, उसके बारे में कुछ उसका ऊपर में समाधान नहीं है। तो क्या लगता है आपको पिछले 5 साल के दौरान, क्योंकि आपके सामने ही महापौर जी का वार्ड है ना, तो क्या लगता है मेयर साहब ने कोई काम करवाया पिछले 5 सालों?
फिलहाल तो कुछ नहीं लग रहा। ऐसा क्यों नहीं लगा? जैसा काम हो ही नहीं रहा तो कैसे लगेगा। तो ये थी बीकानेर और कम से कम इस गंगा शहर की जनता, जिसे ये अपेक्षा की जा सकती थी कि मेयर साहब यहाँ के जो नारायण चोपड़ा जी वो इसी वार्ड 28 के हैं और यहाँ के लोग तो कम से कम उनके काम से संतुष्ट होंगे, लेकिन जनता का जो मत है, जनता का जो मूड है वो आप लोगों के सामने, और ये जनता है जो सब जानती है और सब कुछ तय करती है। मैं कहूँ कि नारायण जी जो चोपड़ा का 5 साल का कार्यकाल रहा, तो आपको नंबर देने हैं 10 में से, कितने दोगे आप? 7 नंबर दे देंगे। 7 नंबर दे देंगे। भाव जी आप कितने दोगे 10 में? देखिएगा शक्ल जी कौन जाना कहीं देवर नंबर। ये बड़ी बात है कि नारायण चोपड़ा जी को नंबर ही देना नहीं चाहते क्योंकि जानते नहीं। उनको कहा जाए कि उनको नंबर देने हैं 10 में से, कितने दोगे आप? मैं तो 0 दूंगा। अच्छा, आपसे कहे कि नारायण चोपड़ा जी को आपको 10 में से नंबर देने, कितने दोगे आप? दे देते हैं, आप गिनते हो तो 5 ले लो यार। अच्छा 5 ले लो, ये कह रहे हैं कि 5 नंबर ले लो। उनको कहूँ कि 10 में से कोई नंबर देने उनके कामकाज के लिए, जो भी किया है उसके लिए, तो कितने नंबर दोगे? नंबर काम करावे जब नंबर मिले ना, काम नहीं करावे जब क्या नंबर मिले। चलिए 0 मान ले, 0। चलिए 0 नंबर दे रहे हैं, मतलब दे ही नहीं रहे नंबर, तो नंबर तो हम मांग रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि मेयर साहब को उनके कामकाज के लिए नंबर देने रिलेशन करना, तो कितना मेयर साहब के बिहेवियर और मेयर साहब के परफॉर्मेंस के हिसाब से 10 में से 7 नंबर तो बनते हैं उनके? 7 नंबर बनते हैं। चलिए ये 7 नंबर दे रहे हैं आपको, यदि ये कहा जाए कि नंबर देने उनको 10 में से नारायण चोपड़ा जी को, तो कितने दोगे? 10 में से 10। 10 में से 10। ये उनको 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं कि उन्होंने, वो आदमी भी अच्छे हैं और विकास कार्य भी कराए। कहा जाए कि नारायण चोपड़ा जी को उनके काम काज के लिए 10 में से नंबर देने, कितने दोगे? हम तो नहीं देंगे, हम तो 1 नंबर देंगे। अच्छा, ये कहें कि आपको नगर निगम को 10 में से नंबर देने हैं उनके कामकाज के लिए, तो कितने दोगे? 10 में से 5 मिलेंगे। कॉपी चेक करनी है नारायण जी के कामकाज के आपको 10 में से, तो कितने दोगे? शक्ली लेके क्या नंबर दे? बिल्कुल सही बात है, पहले भी ये बात आई थी, जब हम शक्ली नहीं जानते तो क्या दे। यदि यूँ कहें कि उनको नंबर देने हैं 10 में से, तो कितने दोगे? 1 ही नंबर को, 0 नंबर है मेरे। आपको नारायण चोपड़ा जी को या उनके कामकाज को 10 में से नंबर देने हैं, कितने दोगे? 10 में से हम तो सब 1 0 0 नंबर पे, 1 नंबर पे, ये कोई खास बात नहीं। अच्छा, 0 से कम कहने को, तो 0 से कम भी हो सकते थे, हो सकते हैं, लेकिन 0 से अगर कोई अंक संख्या बनाते अरे भट्ट जी ने, तो हम उसको वो भी दे देते। अच्छा, आपको ये कहें उनके काम का जो भी किया है उस काम काज के लिए 10 में से नंबर देने, कितने दोगे? 10 में से उनको 0 नंबर देंगे। कितने नंबर दोगे उनको 10 में से? 0। यदि आपको कहें कि उनको 10 में से कोई बोर्ड 10 में से नंबर देने, कितने दोगे? 0। तो आप उनको कोई नंबर देने हैं अब काम काज के, कितने दोगे? 10 में से देने? मेरे हिसाब से तो 0 में। 0 में। आगामी नवंबर माह में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज हम जान रहे थे बीकानेर नगर निगम क्षेत्र की जनता का मूड, कि उन्होंने पिछले 5 साल के विकास कार्यों को देखते हुए आगामी चुनाव में जाने से पहले किस तरह का मन बनाया है, क्या उनके अनुसार इन 5 सालों में यहाँ के मेयर नारायण चोपड़ा ने कोई विकास कार्य करवाया है या नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में भी किसी दूसरे क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।